सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के जलगांव में कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा था। रेप की घटना के आरोपी को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने पहुँची तो मामला संवेदनशील हो गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस थाने पर पथराव का मामला सामने आया है। पुलिस थाने पर हुए इस हमले में आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना जलगांव के जामनेर की बताई जा रही है। पुलिस की अभी तक जांच में ये पता चला है कि भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला किया था। इसी मामले के दौरान थाने को घेर कर उस पर पथराव किया गया, सड़कों पर भी आगजनी की गई। जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में गुस्सा था और माना जा रहा है कि इस घटना को लेकर ही गुरुवार की रात स्थानीय लोगों ने पहले पुलिस थाने का घेराव किया और बाद में पथराव और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुरुवार को जब पुलिस रेप के आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाई तो लोगों ने उसे उनके हवाले किए जाने की मांग की। पुलिस की टीम ने जब आरोपी को भीड़ के हवाले करने से मना कर दिया तो वहां हंगामा बढ़ गया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया और नागरिकों से शांत रहने की अपील की। इस घटना के बाद जामनेर शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल शहर में अभी हालात काबू है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सर, काय सांगाल, जामनेर मध्ये मोठ्या प्रमाणावर दगडफेक झाली, जाळपोळ करण्यात आली, नक्की काय कारण होतं, काय घटना आहे, किती आरोपींना अटक केलेली आहे, कर्मचारी किती जखमी? काही दिवसापूर्वी जामनेर पोलीस स्टेशनला एक घटना दाखल होती। त्या घटनेतील आरोपी आपल्या पोलिसांनी आज त्याला ताब्यात घेतलेलं होतं। त्या कारणावरून बेकायदेशीर जमाव पोलीस स्टेशनसमोर जमलेला होता, तर त्यांना पोलिसांनी भरपूर समजावले की जे कायदेशीर कारवाई आहे ती होणार आहे, तुम्ही कायदा हातात घ्यायचे काय कारण नाही। परंतु त्यांनी काही न ऐकता पोलिसांवर दगडफेक केलेली आहे, पोलीस स्टेशनवर दगडफेक केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 7 ते 8 पोलीस अंमलदार आपले जखमी झालेले आहेत। पोलीस स्टेशनचे जे अधिकारी आहेत ते जखमी झालेले आहेत। तात्काळ माननीय पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक चाळीसगाव आणि इतर अधिकारी तात्काळ पोहोचून त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणलेली आहे आणि आता तिथं परिस्थिती शांततापूर्ण आहे। सर्व जे आरोपी आहेत संपूर्ण त्यांचे व्हिज्युअल पूर्ण डिटेल्स आमच्याकडे आहेत, त्याच्यातले कुणालाही आम्ही सोडणार नाही, प्रत्येक जण अरेस्ट होईल त्याच्यामधला। आतापर्यंत काही कोणाला ताब्यात घेतलं, अटक केली असं काही? ताब्यात घ्यायला सुरुवात केलेला आहे, सर्व ताब्यात घेतले जातील, ज्यांनी दगडफेक केलेली संपूर्ण सगळे ताब्यात घेतले जातील। सद्यस्थिती परिस्थिती कशी आता? सद्यस्थिती शांतता आहे आता आणि त्यांची कारवाई सुरू आहे। आता जे जे त्याच्यामध्ये दगडफेक केलेले आहे पोलीस स्टेशनवर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं काम सुरू आहे। त्याबद्दल जे संबंधित जे दंडाधिकारी आहेत तेच सांगू शकतील, परंतु सध्या तरी आता परिस्थिती आटोक्यामध्ये आहे।